Thank you, Ma. पर ब्यूटी को यहां लाने में कैसी भलाई बौधी? आप शायद भूल रही हैं, पर बरसों पहले आप ही ने उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला था और आज अचानक आप ही उसे घर में गृह प्रवेश करवा रही हैं। आखिर क्यों? हरिंदम के लिए। अगर हमें अरिंदम को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ब्यूटी है जो जानती है कि आपके भाई कहां पर है। और उस बेगैरत औरत ने सौदा किया है, एक हाथ दे एक हाथ ले, वो तभी बताएगी कि अरिंदम कहां है अगर हम उसे इस घर में आने देंगे। उन गंदी गलियों की बेआबरू औरतें हमारे घर की बहू बन बैठी हैं। आपको क्या लगता है हमें ये सब अच्छा लग रहा है? भाभी आप काम डाउन, हम ये सब कुछ अपने बेटे और अपने पति के लिए कर रहे हैं। एक बात और देवर जी, ये बात आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, वरना आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है। अभी अभी चुप रहने में ही अकलमंदी है। एक फूल दो माली। अरे वाह अस्मिता, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसे गिराने का इरादा है? वो सजना सवरना तो औरत का शौक होता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, और वैसे भी जिसकी नई नई शादी हो उसको तो अपने पति के लिए सजना सवरना बनता ही है। वैसे तुम दोनों हनीमून पे कब जा रहे हो? एक बात कहूँ अस्मिता, क्या है ना, शादी के तुरंत बाद का ये जो पीरियड है ये ना गोल्डन पीरियड है, इसको वेस्ट मत करना। अरे मैं तो कहती हूँ तुम लोग आज ही निकल जाओ अपने हनीमून पे। थैंक यू फॉर द सजेशन बुआ जी, पर शायद आप बोल रहे कि आज पोइला बोशाक है। हाँ, हम बंगालियों का नया साल, तो आज का दिन मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। सबके साथ? हाँ हाँ, सबके साथ क्यों? शादी के बाद पहला त्योहार है, तो अपने और रिदोय के लिए स्पेशल बनाना चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सही कहा तुमने, रियली अप्रिशिएट। और शान ये क्या, अब घर में छोटी बहू है, अरे कुछ तो शर्म करो, पूरे कपड़े पहन के घुमा करो। मौसमी। जी पापा, आई अभी। सुनो ना, तुम पोला बोशाक के अच्छे से प्रिपरेशन करो। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। वो कैसे करोगे तैयारी? मैं सजेस्ट करूँ 16 श्रृंगार करना। और हाँ, ये झुमके पहनना, तुम्हारे लिए लेकर आया, बहुत खूबसूरत लगेंगे तुम पे। मैं अपने हाथों से बना दूं, मतलब बीवियों को अच्छा लगता ना अगर पति ऐसा करे तो। चलो मैं पहना ही देता हूँ। व्हाट अ मूव। पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, लिमिट क्रॉस की ना तो पुलिस को बुलाओगी या? अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस को बुला लो, ताकि तुम्हारी और रिदवाई की ये धकोसले और फेक शादी है ना
जिसको मैं साबित कर सकूं कि वो गलत है। मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है, दिखा दूंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना। ओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुम्हें मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैं हृदय की बीवी हूँ, समझे? नो, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें एक्सेप्ट करने दूंगा। शादियां ना सबक सिखाने के लिए नहीं होती है, तुम खुद तैयार नहीं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। बोलो ना, बोलो, है कोई जवाब? कह दो ना एक बार तो मैं खुद दूर चला जाऊंगा तुमसे। बोलो, है कोई जवाब? है जवाब और मिल भी जाएगा। देखता हूं क्या जवाब देती हो और कैसे दूर रहती हो मुझसे। तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। अरे तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? जा, जाकर बैठो। अस्मिता पुत्र, तुझे ये सब करना है? Are you sure? श्योर नहीं होती तो इतनी बड़ी पूजा क्यों करवाती? इन 9 सुहागनों को क्यों बुलाती? बहू बनकर आई हो तो अस्मिता निभाऊंगी ही ना। आज पूरे दिन का उपवास है, अब शाम को ही उपवास तोड़ूंगी। बहू बनकर फर्ज और रस्में निभा रही है या फिर हृदय की पत्नी बनकर? ये सवाल पूछा है अपने आप को? ऑफ कोर्स। हृदय की पत्नी बनकर निभा रही हूं, है ना? और आप प्लीज इस तरह की बातें मत करिए, क्योंकि अगर ये बात हृदय सुन लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे और हम नहीं चाहते कि हृदय को कोई भी अपसेट करे। आप हृदय की पत्नी हैं, मिसेज हृदय मजूमदार के हक से जो करना चाहती हैं वो करिए, अपना वादा निभाइए। आपकी पूजा के रंग में भंग हम डालेंगे। हृदय के करीब आने का हर रास्ता हम बंद करेंगे। अस्मिता, आप ये शादी निभाना चाहेंगी लेकिन निभा नहीं पाएंगी, क्योंकि हृदय के दिल में नफरत हम पैदा करेंगे, वही आपको इस घर से बाहर निकालेंगे और उसकी शुरुआत इसी पूजा से होगी। जय तुम देवी चामुंडे, जय तुम देवी चामुंडे।
हृदय हृदय हाँ मामा वो आप इन्हीं कपड़ों में सो गए और आप अब उठे हैं। अस्मिता ने आपके लिए होला पोशाक की पूजा रखी है। पता है ना मामा अर्धांगिनी है मेरी, ऐसी पत्नी तो सातों जन्म मिले यही प्रार्थना करूंगा मैं। सात जन्म माय फुट, अरे इसी जन्म में इन्हें आप ही के हाथों से धक्के मार कर गलवाएंगे हम। सारी साड़ी खराब कर दी। It's okay. आउच। मामा ठीक तो ना? हाँ? वो पाँव मुड़ गया था लेकिन आप जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए। पूजा आपसे शुरू होनी है। जाइए। हाँ। आउच। जाइए। माँ आप भी ना। विशु दादा, जल्दी ये साफ करिए। लेके जाइए। क्यों नहीं आ रहा? अस्मिता, अब मामा वो एक्चुअली नल में पानी नहीं आ रहा और शावर में भी पानी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। और ये आप ये पहन लीजिए, जल्दी करिए। नल में पानी हो सकता है कुछ पाइपलाइन में फंस गया होगा, हम प्लम्बर बुला लेंगे। आप गेस्ट रूम का बाथरूम यूज कर लो ना, जल्दी करिए, मुहूर्त निकल जाएगा प्लीज। शान, वो हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। वो गेस्ट बाथरूम का डोर जाम हो गया, इतने मेहमान आए हुए हैं, जरा देख लीजिए ना। ठीक है मैं देखता हूँ। अब आएगा मजा। अस्मिता को तो हमने वहां भेज ही दिया है, अब शान वहां पहुंच जाएंगे और हम खेलेंगे अपना मास्टर स्ट्रोक। दादा आप ना अभी तक अपने फोन नहीं लगवाए। हाँ क्या कर रहे हैं आप, अब तक तैयार क्यों नहीं हुए और अस्मिता भी तैयार नहीं हुई है। गैस बाथरूम में जाकर जल्दी देखिए। गैस बाथरूम में क्यों तैयार हो रही है? हमें कैसे पता, उन्हें अच्छा लगता होगा वहाँ जाना। हाउ डाइन जाके देखिए जल्दी। देखता हूँ। बोले जल्दी तैयार हुई है। हाँ हाँ। सॉरी मुझे पता नहीं था कि जस्ट लीव। ओके ओके मैंने कहा लीव। सॉरी सॉरी सॉरी
देखे तो आयो, मुझे नहीं पता था कि वो अंदर है। क्या चल रहा था? What the hell was going on? क्या था? मैं बता रहा हूँ, ये डोर जो है ये जाम हो रखा था यहाँ पे। और दादा झूठ मत बोलिए आप। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे मामा, आपने बोला था ना। हाँ, वो ये आदमी मेरी बीवी के साथ बाथरूम में छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या ये बाथरूम में मेरी बीवी के साथ है? बीवी के साथ अंदर थे मेरे बाथरूम में। आप बोलिए ना। मुझे सलूशन चाहिए अभी के अभी। मुझे सलूशन चाहिए। क्या 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 नहीं होता है? क्यों नहीं होगा? दिमाग लगा। क्या दिमाग लगाओ? जब बोल रहा हूँ कि दरवाजा बंद था और मुझे नहीं पता था एक्सीडेंट है। और ये बात मान लूं जब नोइंग आप दोनों का पास क्या है तो मैं सही कह रहा है हृदय। वैसे भी शांत सबके सामने ये कहता फिरता है कि अस्मिता उसकी बीवी। अब देखना ये है अस्मिता के दिल और दिमाग में कौन सा भाई है। हाँ बुआ, सही कहा। मेरे मन में हृदय और अस्मिता की शादी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि एक शादीशुदा औरत की दूसरी शादी में डिवोर्स के बगैर मानी नहीं जाएगी। और जब मैं खुलेआम सबके सामने कहता हूं कि अस्मिता मेरी बीवी और मैं इसे प्यार करता हूं, तो मैं छुप के इतनी गिरी हुई हरकत करके अपने प्यार की बेइज्जती तो नहीं करूंगा। सबसे कह रहा हूं ये एक एक्सीडेंट था और इसमें अस्मिता की कोई गलती नहीं। अरे रुको रुको, अगर गलती इस लड़के शान की है तो सजा भी ये लड़की देगी ना इसे। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मिता है। अरे ऐसे कैसे कोई किसी औरत के बाथरूम में घुस जाएगा, और खास करके जब उसकी छोटी भाभी होगी है। ये तो बड़ी घिन वाली बात है। छी, अब आप लोगों को तो पता है ना कि मैं घुंघरू पार्टी की लीडर हूँ और हमेशा औरतों के हक में लड़ी हूँ मैं। तो अगर चाहे तो आपकी जो छोटी बहू है ना, इस लौंडे के ऊपर मॉलेस्टेशन और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर सकती है। आप बोले तो मैं भी पुलिस बुला लेती हूँ, बात बात नहीं निपटा देते हम लोग हैं। क्या आप चाहती हैं कि ऐसा हो कि पुलिस आए? स्टेटमेंट देंगी आप? स्मिता जी, इतनी बेहुदा हरकत पर मोलेस्टेशन का केस फाइल करेंगी आप? अरे बोलो, तुम्हारे पति कुछ तुमसे पूछ रहा है। बोलिए स्मिता जी, दादा पर मोलेस्टेशन का केस फाइल करेंगी आप?